हेलो एवरीवन, अपने पिछले लेक्चर में हमने एक्टिवेटेड स्लज प्लांट से रिलेटेड इलेक्ट्रोल के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें कुछ लास्ट पॉइंट में कुछ कैलकुलेशन बाकी रह गए थे, उसी के बारे में हम इस वीडियो में आगे डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था वो हमारा क्या था, स्लज एज। इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। स्लज एज को हम थीटा सी से इंडिकेट करते हैं। इसके बारे में हमने बताया फॉर्मूला हमारा क्या था, QC = θc = b × xt / qw × xr + (q − qw) × xe। ये हमने फॉर्मूला बताया था। अब इसमें वैल्यू हमने पुट किया था, हमारा वैल्यू क्या था, b इंटू एक्स टी का जब हमने कैलकुलेशन किया था वो वैल्यू हमारी कितनी थी, 27,250 kg डिवाइडेड बाई बी इंटू एक्स टी। बी की वैल्यू सॉरी क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स आर। क्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमारी कितनी थी, 220 इंटू एक्स आर की वैल्यू हमारी कितनी, 9,700। अब ये वैल्यू हमारी किसमें थी, मीटर क्यूब पर डे में और मिलीग्राम पर डे में थी। तो इसको हम के जी पर डे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10,000 हो जाएगा। 1000 से इसको डिवाइड करके हमारी यूनिट किसमें गए, के जी पर डे में, प्लस क्यू की वैल्यू हमारी कितनी थी, 35,000 माइनस क्यू डब्ल्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, 220 इंटू एक्स ई। एक्स ई हमारा कितना था, 30 मिलीग्राम पर लीटर था। तो 30 मिलीग्राम पर लीटर को हम के जी पर डे में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 1000। ये भी यूनिट हमारी किसमें हो गई, के जी पर डे में हो गई। अब इसमें हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 27,250 के जी डिवाइडेड बाई, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 2,134 प्लस, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1,043.4। अब इसको हम और जब मॉडिफाई करेंगे क्या होगा, 27,250 डिवाइडेड बाई 3,177.4। कैलकुलेट करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 8.58 डेज। ये हमारा हो जाएगा आंसर किसका, एक्टिवेटेड स्लैश की वैल्यू हो जाएगी थीटा सी इक्वल्स टू 8.58 डेज। ठीक है, ये हमारा थीटा सी की वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्लैश एज की वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपने पिछले लेक्चर में इसमें जो थ्री पॉइंट्स हमने कैलकुलेट किया था उसमें क्या क्या था, पहला पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था एरिएशन पीरियड, एरिएशन पीरियड टी इक्वल्स टू हमने कैलकुलेट किया था, तो वैल्यू हमारी क्या थी, 7.5 आवर्स। सेकेंड पॉइंट हमने क्या कैलकुलेट किया था, एफ बाई एम रेशियो, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 0.32। और थर्ड पॉइंट हमने क्या कैलकुलेट किया था, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल, परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ बीओडी रिमूवल। ठीक है, ये वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 92% आई थी। और फोर्थ पॉइंट हमें क्या कैलकुलेट करना था, स्लज एज थीटा सी। ये थीटा सी हमने यहाँ कैलकुलेट किया कितना आया, 8.58 डेज। 8.58 डेज ये हमारा हो जाएगा एक्टिवेटेड स्लज प्लांट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो फोर्थ पॉइंट हमने इस वीडियो में अपने कैलकुलेशन किया। बाकी जो ये थ्री पॉइंट्स है, 1, 2 और 3, ये हमने अपने पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चन बताया था उसमें कैलकुलेशन किया था, और फोर्थ पॉइंट हमने इस लेक्चर में कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हम एक्टिवेटेड स्लज प्लांट से रिलेटेड न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लेकिन इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।